Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की जांच से कई ट्रेबल ऑपरेटर्स की काली करतूतों का खुलासा होने के बाद एयर इंडिया ने एक्शन लिया है। इसके साथ ही एयर इंडिया ने तत्काल प्रभाव से अपने 3 एजेंट के लेन देन को सस्पेंड कर दिया है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के पड़ताल के बाद एयर इंडिया ने 3 एजेंट के माध्यम से एयर इंडिया का लेन देन तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इन 3 एजेंट में दिल्ली के जंगपुरा स्थित रियल फ्लाइट टूर एंड ट्रेवल्स है, बारखंबा रोड पर एयरव्यू सर्विसेज और लाजपत नगर में फ्रेंड्स टिकटिंग हब शामिल है। दरअसल वंदे भारत मिशन के तहत हवाई टिकटों को मुश्किल में फंसे लोगों को मोटा प्रीमियर वसूल कर बेचा जा रहा है, जिस पर संज्ञान लेते हुए एयर इंडिया ने एक्शन लिया है। एक मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो जिन 3 ट्रेवल एजेंट का स्टिंग किया गया था उन्हीं पर एयर इंडिया ने एक्शन लिया है। अगर हम बताएं, स्टिंग में खुलासा हुआ है कि ये ट्रेवल एजेंट्स टिकट किराए से ज़्यादा किराए की मांग कर रहे थे। स्टिंग के दौरान ट्रेवल एजेंट ने दावा किया कि वह एयरलाइंस अधिकारियों से अंडर हैंड इसे सुनिश्चित कर बुकिंग जारी कर देगा, जो कि आधिकारिक पोर्टल पर सोल्ड आउट दिखाई जा रही है। बता दें कि दुनिया में बढ़ते कोरोना वायरस के संकट के कारण अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर ब्रेक लग गया था, जिसके बाद इस साल भारत ने वंदे भारत मिशन की शुरुआत की थी। इस मिशन के तहत भारतीयों को विदेशों से लाने के लिए उड़ान सेवा मुहैया कराई जा रही है। हालांकि अभी से धांधली का खुलासा हुआ है, जिसमें ट्रेवल एजेंट टिकट की कालाबाजारी कर रहे हैं। और अब ये भी सवाल उठ रहा है कि एयर इंडिया जो कि गवर्नमेंट की है और उस गवर्नमेंट के कामकाज में इस तरीके से बड़े पैसे का लेन देन और फेरबदल हो रहा है, इससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सरकार के भी कहीं इसमें मिली जुली जो भगत थी वह है, क्योंकि उनके वेबसाइट पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से सीट जो थी वो अलॉटेड दिखा रहे थे, यानी कि सीट खाली नहीं थी, लेकिन ट्रेवल एजेंट के माध्यम से वहाँ पर सीट बुकिंग कर दी जा रही थी। और उस फीस का जो प्राइस था, अगर एक टिकट लेते हैं तो पहले 50,000 रुपये हुआ करते थे, लेकिन ब्लैक मार्केटिंग में होने के बाद लगभग 2 से 2.25 लाख रुपये तक का ये टिकट बेचता था। तो आप लोग सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी कालाबाजारी जो है एयर इंडिया कर रही है, और ख़ास करके गवर्नमेंट पर सवाल उठना ही लाजमी है। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।